उस व्लॉग को आखिरी तक देखो। भाई एंट्री शुरू, बहुत ज्यादा भीड़ है, फोन ही फोन, और बस हमारी एंट्री होने वाली है। ये देखो ये कितने क्रिएटर्स भाई, बहुत ज्यादा मजा आना है। उस व्लॉग को आखिरी तक देखना, मे भी हो सकता है दो पार्ट में डालूं, क्योंकि इतना बड़ा है, एक पार्ट में तो आने वाला नहीं है। और यहाँ से लाइन में लगना है, लाइन भी नहीं समझ आ रही किधर ले जाना है। तो के इंतजार बाद एंट्री होगी, सिक्योरिटी पॉइंट चेक, इतना तो क्रिकेट में भी भीड़ नहीं होता भाई जितना यहाँ हो गया है। IPL में भी नहीं होगी इतनी भीड़। चलो भाई सिक्योरिटी चेक के बाद अंदर एंट्री। फाइनली एंट्री हो गई, चेक पॉइंट पे आधे घंटे से ज्यादा खराब करने के बाद एंट्री हो चुकी है। यहाँ पर जिनके पास बैग है लगेज वो यहाँ जमा करा सकते हैं, बाद एग्जिट के टाइम ले सकते हैं यहाँ से। हीरा बैगेज काउंटर भाई 5,000 कह रहे थे, मुझे लगता है 5,000 से भी ज्यादा है। अभी भी आए हैं लोग, अब देखते हैं किस तरफ चलना है, उधर चलते हैं। और दोस्त मेरा अभी तक आने, हाँ हाँ बैग इधर रख रहे हैं, हाँ भाई दे दो आप बैग। और भाई इधर भी एक लाइन लगी, नहीं ये तो सिर्फ बैग की लाइन है, मेरे पास बैग नहीं, हम तो खाली हाथ। अरे हम तो फकीर आदमी है। यहाँ बैनर, वहाँ बैनर, बैगेज काउंटर, ये मेरा पोस्टर। एंट्री तो हो गई हमारी, चलते हैं भैया आगे भाई, और एक फोटो क्लिक करते हैं, थंबनेल भी तो बनाना है ना। और वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। हमारा तो सिल्वर पास था, यहाँ गोल्ड है, प्लेटिनम है, तीन वो फीस वाले हैं, फ्री एंट्री है, देखते हैं हमें कैसी सीट मिलती है। 30 रुपीज़। और पानी की बोतल लेनी है मुझे, लगी है बहुत ज़्यादा प्यास, लेते हैं पानी की बोतल। ये क्या है ये देखते हैं, व्हाट इट इज, क्या क्या ले सकते हो यहाँ पर। पानी की बोतल, फिर चलते हैं अंदर। पानी की बोतल ली है भाई, प्यास बहुत ज़्यादा लगी है, पानी की बोतल ज्यादा जरूरी है। और यहाँ फूड स्टॉल पे पानी की बोतल लेते हैं, ये टोकन मिला है, पहले मैं पैसे रख लेता हूँ अंदर, हाथ में लेके भटकना ठीक नहीं है। उस तरफ भी कुछ है अगर आपको दिख रहा हो, रेड रेड इधर इधर इस साइड, टोकन ये रहा मेरा FNB कूपन। बहुत भीड़ है भैया, एक पानी बोतल देना, भैया एक सैंडविच चाहिए, एक पानी बोतल, एक वाटर बोतल। बोतल मैंने ले ली है, पानी पीते हैं फिर चलते हैं अंदर, वहाँ से शायद एंट्री है। जितना जल्दी जाएंगे भाई उतना जल्दी बैठने को मिल जाएगा, है ना। चलो चलते हैं यार, हम फोटो खिंचा सकते हैं लेकिन मैं अकेला ही हूँ, कैसे खिंचाऊँ, ये हो रही है मुश्किल मेरे लिए, है ना। कोई नहीं, सेल्फी लेके काम चलाएंगे, आओ। हाँ सर के द्वारा कुछ कोर्सेज भी सिखाए जाते हैं डिजिटल मार्केटिंग के, ये देखो डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स हैं, वो भी सिखाए जाते हैं। अभी यहाँ कोई बैठा नहीं है वरना मैं ज़रूर पूछता कैसे क्या है। चलो ये देखो, ये देखो सेटअप, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया भाई, मज़ा आ गया। ये स्पॉन्सर्स हैं सारे, और यहाँ वी मेक क्रिएटर्स, क्लाइमेट है पता नहीं, बुला बुला आई डोंट नो। हम पहले एंट्री करते हैं फिर देखते हैं। ये है एंट्री,
और ये हाथ में क्या है, ये खो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। ये बहुत भीड़ होने वाली है। सी कहाँ बैठना बोल रहा है, भागो भागो भागो, अपनी अपनी सीटें ढूंढ लो। गरीबी सीट, हम क्यों टाइम खराब करें, बस बैठते हैं इधर ही कहीं। वही डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। और ये है वीआईपी लोगों की भाई, जिसकी प्लैटिनम टिकट, सिल्वर टिकट, क्या बोला तूने, गोल्डन टिकट, सिल्वर वाले खैर तो मैं ही हूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और मैं तो बैठ गया, फोर्थ रो है, नहीं यस फोर्थ रो है, यहाँ बैठा हूँ, बहुत विजिबिलिटी है, आराम से बैठा जा सकता है और देखा जा सकता है, नो टेंस। अगर हमें वहाँ की सीट मिली होती तो और ज़्यादा मज़ा आता। एनर्जी है, ये म्यूजिक चलाए जब थोड़ी देर और इंतजार, फिर सब सामने आने वाले हैं, मजा तभी शुरू होगा। ये स्मोक, मेरे फोन की बैटरी बहुत जल्दी खत्म हो, पावर बैंक लेके आना चाहिए, तो मैं भूल गया यार, देखते हैं कितना कैप्चर कर सकते हैं। कोशिश पूरी रहेगी कि अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको दिखाया जाए। मोटिवेशन के साथ शुरुआत, ये सब चीजें तो बहुत ज्यादा जरूरी है। बंदा नेपाल से आया, देखा तो होगा आपने, एक मीम मीम का सर का वायरल बहुत होता है, चीज बढ़िया है, एकदम रापचिक चीज है। अंकल हटते जरा तो दिखते भी, और कोई और भी आगे जी। हेलमेट बाबा जी, जो हेलमेट सुरक्षा के बारे में बताते किसी का डर उनमें कुछ, और उसके बीच में कोई आ जाता है तो सर की आवाज़ हो जाती है, मध्यम पड़ जाती है, ये बड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाता है कि आपको कोई नहीं सुन रहा और किसी और के लिए लोग चिल्ला रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी यूट्यूबर्स बड़े बड़े आ गए हैं, जैसे मनोज दे काफ़ी दूर थे यार, क्लिप वो भी नहीं भाई कैप्चर, और बहुत सारे नाम मैं याद नहीं है यार, सॉरी। अब जाके कुछ एंटरटेनमेंट शुरू हुआ, अभी तक सब पका ही हुआ, पंजाबी भंगड़ा, ध्यान देख के आते ना। एक चीज मिस हो गई, अगर सीट बुक होती तो और ज्यादा शायद क्लोज से देखते, बस सुने रहेंगे।
बट कोई नहीं करते। कौन ही रुक पहले हल्का होते यहाँ शायद कुछ बिक रहा है तो भी देखता हूँ क्या है ये पैसा के फ्री कर पैसे की होंगे फ्री तो नहीं है पैसे किए हो ऐसा कुछ स्टॉक मार्केट की स्ट्रेटजी वैसे हमारा तो किसी काम का नहीं मैं आया था कहाँ और कहाँ गया हूँ कहाँ टॉयलेट जाता हूँ फिर अंदर चलते हैं कुछ खास नहीं खाया था लग रही है बहुत भयंकर भूख तो चलते देखते वहाँ क्या मिलता है फिर उसके बाद अंदर चलते हैं अभी तो शाम तक चलने वाला है 5-6 बजे तक वहाँ स्टॉल भी बहुत ज़्यादा भीड़ है पहले इधर देखते हैं कैसे कौन सी पेमेंट करनी उसके बाद उधर चलते हैं है ना 30 रुपीज़ की वैल्यू है अब देखते हैं क्या होता है यहाँ चल बहुत ज़्यादा भीड़ है धक्का खाने कहाँ जाए किस तरफ से ले समझ नहीं आ रहा एक मिनट यही धक्का मुक्की खाने के बाद ये हासिल हुआ बैठ के किसी जगह खाते हैं साथ में आ गई अभी सब बाहर हैं ऊपर चलते हैं अंदर सुबह कुछ नहीं खा के आया था चाय और तो रोटी बस 6 बजे जगे 7 बजे तैयार फिर थोड़ी देर बाद निकला मैं 8 बजे में पहुंच गया था यहाँ पर आधा घंटा तो इंतज़ार करा पर अभी किस खाते पी रहा हूँ ताकि बैटरी 36% बची है बच के बनानी होगी बैटरी सॉरी रेडियो लेकिन कुछ ना कुछ चलता रहता है इधर भी इंटरव्यू ही हमारा उधर कोई काम नहीं है तो हम उधर जा नहीं सके है ना काम खा के भी जीती मेरा कहना है कि अगर कहीं आप एक्सीडेंट होता है मोटरसाइकिल डिजिटल मार्केटिंग के लोग आए सॉरी स्टॉक मार्केटिंग के उनको तो देखा होगा आपने यूट्यूब पे इतने दूर बैठे ना मेरे सकल बड़ी स्क्रीन पे दिख रही है इन द हाउस उनकी वीडियो बहुत देखी होगी आपने कंट्रोवर्सी भी बहुत रहते हैं रैपर मिला है
ओपन लेके जाओ ये धक्के मुक्की से टूट फूट जाएगा, बच के आगे तो ये ठीक है। भीड़ में घुसा ही पोपट हो गया। पेटी 30 रुपए की है, 10 रुपए की पेटी 30 रुपए की हुई है, अच्छी कमाई है। अभी से 30 वाला कराता हूँ फिर लेने चलता हूँ। 30 वाला सर चेंज नहीं है, चेंज नहीं है अब तो खैर मिल जाएगा। फिर से धक्का मुक्की खाते हैं फिर लेते हैं। अभी घुसा छोड़ के चलाना पड़ा। चलो अब तो खाली अभी ले लेते हैं फटाफट। पहले तो बहुत भीड़ थी। दो सैंडविच चटनी तो ना यार। क्या बोला तूने भाई? तो भीड़ देख ये ले अंकल, ये दो मेरे मेरा है सब पूरी दे। अरे कहां है तू, बन जल्दी आ गया यार। भाई साहब भंडारी और सारे मेन्यू भी इतनी यहां पर है। धक्के मुक्के खा के लिया, अब चलते हैं उधर खाते हैं फिर देखते हैं। अगर कुछ खास है तो रहे, नहीं तो घर की वो नहीं करती। बहुत टाइम हो गया। ये देखो IAS चाय वाला। पैसा बर्बाद बहन। MBA चाय वाला, BTech चाय वाला, BCom, MCom चाय, ग्रेजुएट चाय वाला, ये IAS चाय वाला। IAS चाय वाला पता नहीं भाई, IAS हुई नहीं क्या? क्यों चाय वाला बन गया? कि हमारा सही सक्सेस कैसे आएगा ये किसी को कुछ नहीं पता है। हम सोचते रहे, जैसे अभी अभी दीपक भाई ने कहा, मैं तो 16 साल का था लेकिन सोच बड़ी थी, उम्र छोटी थी सोच बड़ी थी। माइक्रोफोन है ना, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। ये माइक और मैं लाल, तो मैं हो गया माइक का लाल। तो एक बार प्लीज इस माइक्रोफोन के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। भारत माता की जय। आ जाते रवि। अरे वाह, और अभी मैंने ये डिजिटल मार्केटिंग की बुक खरीदी है, ये रही अमरेश्वर की है ना, बुक लिए भी मैं बैठ गया हूँ। अभी जाने वाला, चलता हूँ, मतलब अब घर जाने के लिए टाइम हो गया है। और ये बुक ली है, थोड़ा जरा एक बार देख लेते हैं इसका रिव्यू ले लेता हूँ कि कैसी है बुक, मेरे 250 रुपये वर्थ इट है या नहीं। आई थिंक वर्थ इट होना ही चाहिए। वाह, अंदर थोड़े बहुत पेजेस देखे थे, कुछ आइडियाज़ मिल रहे थे मुझे, तो एक बार पढ़ता हूँ फिर चलता हूँ घर। डिजिटल मार्केटिंग 250 की बुक पड़ी, ऑनलाइन पे किए मेरे पास थे। पहले मैं सोच रहा था लूँ ना लूँ, फिर मैं कहा चलो एक बार ले के देखते हैं क्या ही होगा है ना। तो ये सारे कुछ हैं यहाँ पर, डिजिटल मार्केटिंग काफ़ी ज़्यादा मोटी नहीं है, हिंदी में शॉर्ट शॉर्ट में लिखा है, ये देखो। चलो मैं रिव्यू करता हूँ, तब तक के लिए आप आराम करो। देखा रिव्यू, बुक सही है, कंटेंट हमारे यूट्यूब चैनल को ग्रो करने में मदद करेगी डेफिनेटली, इसलिए मैंने बुक ले लिया है। इंस्टाग्राम पे भी, और एक चीज़ देखी यहाँ पर, नेट बिल्कुल नहीं चल रहा। वीडियो भी अपलोड मैंने छोटी मोटी कर दी, ऐसा नहीं करी है वीडियो अपलोड। और ये देखो मेरे पीछे अंदर बंदे बैठे हैं, दो लोग हैं अभी, कुछ अंदर हैं हमारे। शुरुआत में काफ़ी रश था, इंटरेस्टिंग था, तो लोग काफ़ी थे। हम लोग घर जा रहे हैं और मेरा भी घर जाने का मूड है।
अकेले बोर हो गया, मैं भी साथ में रहता तो और मजा आता। चलो मैं भी चलता हूँ घर। एक घंटा है मतलब 6 बजे ख़त्म होगा, लेकिन अब मैं जिससे मिलना था, जिसे देखना था, उन्हें देख लिया। अब चलता हूँ घर। अभी टाइम कितना हो रहा है? टाइम हो रहा है 5:14। चलना चाहिए, 6 बजे घर पहुँच जाएंगे। भाई मुझे जिसे देखना था, जिससे मिलना था, इतना क्लोज से नहीं मिले लेकिन 7-8 फुट की दूरी से देख लिया। पर कभी मौका मिलेगा तो सीट बुकिंग करेंगे, तो सामने से भी मिल लेंगे, है ना। ये फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, इसलिए थोड़ा रह गया। पर अगली बार ट्राई करेंगे कि और ज़्यादा पास से और ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लोर कर सके। तो इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करता हूँ। चलिए इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।